खबर दुर्ग से है, जहां 15 जुलाई को भिलाई के किसान वार्ड एक खमरिया में निगम के वाहन से एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके लिए वार्ड पार्षद और उसके साथियों ने देर शाम तक जमकर हंगामा किया। इस बीच नगर पालिका निगम भिलाई जोन एक के उप अभियंता के साथ मारपीट और उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करने की घटना सामने आई है। मामले को लेकर निगम के कर्मचारियों ने इसके विरोध में महापौर को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। भिलाई निगम के कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम भिलाई के अंतर्गत 3 कर्मचारी संगठनों ने निगम मुख्यालय सभागार में एक बैठक की। बैठक में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको देखते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही कांग्रेस और सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में उप अभियंता आलोक पसीने के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए उनके समर्थन में सामने आकर पहले पुलिस विभाग में FIR दर्ज कराई गई। उसके बाद निगम आयुक्त सहित निगम महापौर नीरज पाल को भी ज्ञापन सौंप कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा मुझे अभी एक पत्र दिया गया है, एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई घटना के बारे में जिक्र किया है और उनके साथ ही कर्मचारी महासंघ के लोग, स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के लोग भी आए थे।